श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 17 मई 2023 को है मासिक शिवरात्रि, और दोस्तों इसी दिन मासिक शिवरात्रि के साथ में प्रदोष का व्रत भी है। इसीलिए यह दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं या भगवान भोलेनाथ का कोई उपाय करना चाहते हैं, तो ये दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए और आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए। साथ ही में दोस्तों 19 मई 2023 को है यहाँ पर अमावस्या। अमावस्या होने के साथ साथ में इस दिन है वट सावित्री व्रत भी। इसीलिए दोस्तों ये दोनों ही दिन जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा विशेष हैं, और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 17 मई मतलब मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत, और 19 मई मतलब कि अमावस्या और वट सावित्री व्रत के कुछ ऐसे नए और विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिन उपायों को अगर आप लोग करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली सारी दुख और समस्याएँ तो दूर होंगी ही, और अगर आप अपनी किसी मनोकामना के लिए कुछ उपाय करते हैं तो आपकी वह मनोकामना भी पूर्ण होगी। पर उपाय को पूरे मन और पूरे विश्वास से करना होगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 17 मई 2023, जिस दिन है मासिक शिवरात्रि, साथ ही में है प्रदोष व्रत, इस दिन किया जाने वाला बहुत ही विशेष उपाय। तो दोस्तों सबसे पहला जो उपाय है ये बहुत ही विशेष उपाय है, और अगर इस उपाय को आपने महीने की मतलब जो 12 महीने होते हैं, 12 महीने में पड़ने वाली, हर महीने में एक एक शिवरात्रि पड़ती है, हर महीने की एक शिवरात्रि अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपके घर परिवार के ऊपर, आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। इस उपाय में आपको हर शिवरात्रि को, हर महीने में पड़ने वाली एक मासिक शिवरात्रि को यह उपाय करना है। करना क्या है, आपको 3 दीपक तैयार करने हैं, ठीक है। 3 दीपक आटे के होंगे, जिनमें आप गोल बाती रखेंगे। गोल बाती रखने के साथ साथ में आप इन दियों में डालेंगे शुद्ध देसी गाय का घी। ये 3 दीपक तैयार करके आपको मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में, जब सूर्य डूब रहा हो, रात का समय हो रहा हो, उसके बीच का समय लेकर तैयार कर लेने हैं इन 3 दीपकों को, और इन 3 दीपकों को एक प्लेट में, एक थाली में रख कर आप अपने घर से निकल जाइएगा। सबसे पहला जो दीपक आप लोग लेकर जाएंगे मासिक शिवरात्रि के दिन, वो किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लेकर जाएंगे। बेलपत्र का वृक्ष बड़ा होना चाहिए, और वहाँ पर आपको पहला दीपक लेकर जाना है। पहला दीपक ले जाकर वहाँ पर बैठना है, वहाँ पर रखना है, जलाना है। दीपक को जलाने के बाद 2 मिनट भगवान से हाथ जोड़कर, झोली फैलाकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान से आपकी कोई अगर कोई मनोकामना है तो उसे बोलना है, अन्यथा बिना बोले भी भगवान शिव जी तक आपकी कोई भी अगर कामना होगी तो वो पहुँच जाएगी। आपको झोली फैलाकर भगवान से जो मांगना है वो मांग लीजिएगा। पहला दीपक आपने बेलपत्री के वृक्ष नीचे लगाया, अब उठिए वहाँ से और दूसरा दीपक लगाने के लिए सीधा जाइए आप लोग शिव जी के मंदिर में, ठीक है। शिव जी के मंदिर में पहुँचिए, शिव जी के मंदिर में शिव जी के पास पहुँचिए। शिव जी के पास पहुँचने के बाद शिव जी के दर्शन कीजिए और दूसरा दीपक शिव जी के सामने रख कर वह दीपक भी जला दीजिए। दीपक जलाने के बाद भगवान के सामने झोली फैलाकर बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। अगर आप कुछ नहीं भी बोलेंगे तो भी भगवान शिव जी तक आपकी मनोकामना पहुँच जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में लगाने के बाद आप मंदिर से बाहर निकलिए, और मंदिर से बाहर निकलने के बाद जो तीसरा और आखिरी दीपक बचा हुआ होगा, ये सीधा आप लोग लेकर आ जाइए किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे। जिस तरीके से बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होगा उसी के नीचे आपको ये उपाय करना है, वैसे ही आंवले का वृक्ष जो बड़ा वाला हो उसी वृक्ष के नीचे आपको ये तीसरा दीपक लेकर जाना है, और वहाँ पर जाकर ये तीसरा दीपक बैठ कर रख कर जला देना है, और 2 मिनट बैठ कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, झोली फैलाकर भगवान शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो इन 3 दीपकों को इन 3 जगहों पर आप लगाइए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होना शुरू होता है। मात्र हर महीने में एक बार मासिक शिवरात्रि आती है, उस दिन आप लोगों को शाम के समय में ये उपाय करके देखना है, करके ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको 17 मई 2023 इस मासिक शिवरात्रि के दिन ज़रूर करना है। यह उपाय आपको तब करना है जब आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा रोग और बीमारियों ने आपके घर परिवार के सदस्यों को घेर कर रखा हुआ है, या किसी एक सदस्य को घेर कर रखा हुआ है, या किसी व्यक्ति को और बहुत ज़्यादा रोग बीमारी है, तो उसके लिए आप लोग मासिक शिवरात्रि को प्रातःकाल सुबह सुबह यह विशेष उपाय ज़रूर करें। इस उपाय में आपको करना क्या है कि आपको एक लोटा लेना है, उस लोटे में आपको शुद्ध जल भरना है। शुद्ध जल भरने के बाद आपको क्या करना है कि उसी लोटे के अंदर थोड़ा सा दूध डालना है। दूध कौन सा, शुद्ध देसी गाय का दूध, है ना। शुद्ध देसी गाय का दूध आपको लेना है, भले ही 1 चम्मच डालो पर वो शुद्ध देसी गाय का दूध होना चाहिए। थोड़ा सा दूध डाल लो, दूध डालने के बाद आप उसी जलपात्र के अंदर डालो 5 काली मिर्ची। क्या डालना है, 5 काली मिर्ची, है ना, सुन लिया आप लोगों ने। 5 काली मिर्ची डालकर इस जलपात्र को लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह, और भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचकर भगवान
भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव नाम, एक और बार स्मरण कर लीजिए, सुन लीजिए, कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको इस जल को भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। जिसको रोग और बीमारी है, अगर वो सक्षम है भगवान शिव जी तक मंदिर तक जाने में, तो वही इस उपाय को करें, अन्यथा उसके घर परिवार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य यह उपाय को कर सकता है उसके लिए, ताकि उसकी रोग और बीमारी ठीक हो जाए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लीजिएगा जब आप लोग इस जल को चढ़ा रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा उस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। और अगर वो व्यक्ति खुद यह उपाय कर रहा है जिसको बीमारी है, तो वो अपने लिए भगवान शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त करे कि उसकी रोग और बीमारी जो भी शरीर में चल रही है वो बहुत जल्द ठीक हो जाए, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, और यह उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष है, और यह उपाय पंडित जी ने अभी अभी बहुत ही नया उपाय है जो कि पहली बार ही अपनी शिव महापुराण कथा में बताया था। तो दोस्तों, यह उपाय आपको कब करना है वो आप लोग सबसे पहले सुन लीजिए। अगर कोई पति पत्नी है, उनके बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बहुत विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी का चक्कर भी चल रहा है, तो भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई ये जो लड़ाई झगड़ा है ये सुलझ जाए, तो आप ये उपाय करें। अन्यथा आपके घर में अगर कोई दुश्मनी चल रही है, या आपके बहुत सारे दुश्मन बन गए हैं, और आप चाहते हैं कि भाई आपको इसमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखना है, आपको प्रेम भाव से रहना है, उस स्थान पर भी आप लोग यह उपाय कीजिए। और अगर किसी भी लड़ाई झगड़े से आप जो है मतलब समाप्ति चाहते हैं किसी भी लड़ाई झगड़े की, किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े की, तो उस स्थान पर भी आप लोग यह उपाय मासिक शिवरात्रि के दिन ज़रूर करें। कब करें? शाम के समय प्रदोष काल में। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस उपाय में आपको करना क्या है कि कनेर का पुष्प, कनेर का फूल आपने देखा है पीले कलर का होता है, लंबा लंबा सा होता है, ठीक है, इसका यह उपाय है कनेर के पुष्प का। इस उपाय में आपको बहुत सारे कनेर के पुष्प लेकर आने हैं, बहुत सारे, हम इसीलिए कह रहे हैं। आप एक बात का पहले स्मरण कर लीजिए कि शिव जी की शिवलिंग होती है, और शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक शिव जी का जो है पात्र भी रखा हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, ठीक है। उस जल पात्र के अंदर शिव जी की 5 बेटियों का मतलब जो है जगह रहती है, जयाह, विषहरा, शामली, दौतली और देव। इन 5 बेटियों के स्थान से मतलब उस जल पात्र से लेकर जो शिव जी की जलाधारी होगी, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होगा, उस स्थान तक इतनी लंबी आपको कनेर के पुष्प की माला तैयार करनी है। आप कनेर के पुष्प की माला जहां तक है आपको खुद ही तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं पर बाजार में आपको शायद ही मिल जाए, तो इसीलिए आप लोग क्या करें, बाजार में मिले तो ठीक है, अन्यथा आप खुद कनेर के पुष्प तोड़कर लाएं। कनेर के पुष्प आपको आराम से मिल जाएंगे, थोड़ी ज्यादा मात्रा में लेकर आएं, क्योंकि माला लंबी होगी, ज्यादा लंबी होगी तो भी चल जाएगी, छोटी होगी तो नहीं चलेगी, है ना। तो इसलिए आप लोग ज्यादा लंबी माला बना ले, ताकि लंबी तो चल जाएगी पर छोटी होगी तो फिर वो नहीं करेगी, क्योंकि जल पात्र से जलाधारी को वो माला टच करनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग यह माला को तैयार कर लीजिए, कनेर के पुष्प बढ़िया सुबह सुबह तोड़ लाइए, और शाम तक प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है, तो शाम से थोड़ा पहले आप लोग इस माला को बनाना शुरू कर दीजिएगा, और एक लंबी सी कनेर के पुष्प की माला तैयार कर लीजिएगा। माला आप लोगों ने तैयार कर ली, अब मासिक शिवरात्रि के दिन ही शाम के समय प्रदोष काल में आप पहुंच जाइए भगवान शिव जी के मंदिर में, और भगवान शिव जी के मंदिर में वो व्यक्ति जाए जिसको अपने घर परिवार सदस्यों का जो है लड़ाई झगड़ा समाप्त करवाना हो, ठीक है, या कोई पति पत्नी है तो पति जाए, या तो पत्नी जाए जो कि अपने बीच में जो भी मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो समाप्त करना चाहते हैं, तो उस स्थान पर आप लोग जाइए, भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचिए, उस माला को लेकर तैयार करके आप अपने हाथों से इस माला को बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मंदिर पहुँचकर आपको करना क्या है कि भगवान जी के दर्शन करके, भगवान जी का आशीर्वाद लेकर, आप जो भी दीपक जलाने गए हैं वो सब करके, काम करके, भगवान जी की आराधना करके, आपको इस माला को खड़े होकर, क्योंकि बैठकर तो आप शायद ही चढ़ा पाएं, अगर बैठकर चढ़ा सकते हो तो बैठकर भी आप इस माला को चढ़ा सकते हैं, अन्यथा आप खड़े होकर क्या करें कि इस माला को सबसे पहले आप सबसे ऊपर जो जलपात्र टंगा हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके शिव जी पर जल गिरता है, शिव जी के ऊपर जो जलपात्र टंगा हुआ होता है, उस जलपात्र पर आपको माला टांगनी है, और वो माला इस प्रकार से टांगनी है कि वो माला ऊपर जो आपने तो मतलब समर्पित कर दी, ऊपर आपने टांग दी, टांगने के बाद वो जो माला है कनेर के पुष्प की वो जलाधारी को छू जाए, इतना आपको बस काम करना है, ठीक है। ऊपर आपने माला पहना दी वो जलपात्र को, उसके बाद वही माला जो है जलाधारी को टच करनी चाहिए, छूनी चाहिए, ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बस इतना सा ही उपाय है, उस माला को आप पहना दीजिए, बस जलाधारी से मतलब उस जलपात्र से जलाधारी तक की इतनी लंबी माला बनाकर आप वहाँ पर समर्पित कर दीजिए, इतना सा यह उपाय, और पहना कर भगवान शिव जी आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी जो भी कामना है लड़ाई झगड़े की वो बोल कर उसके बाद आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस आ सकते हैं। ये भी बहुत ही उपाय है, आप करके ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों, यह उपाय भी आपको मासिक शिवरात्रि के दिन करना है, और बहुत ही ज़्यादा विशेष यह उपाय है, और अगर इस उपाय को आप
आपने 12 महीने की हर महीने में पड़ने वाली एक एक शिवरात्रि को एक दिन कर लिया तो भाई बहुत ही विशेष रूप से आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। और यह उपाय है पारिजात के फूल का, ठीक है। तो पारिजात का फूल आप लोगों ने देखा है रात में खिलता है और सुबह आप लोगों को मिलता है, ठीक है। तो उस पारिजात का एक फूल मात्र आपको लेना है, जिसे हम हार श्रृंगार का पुष्प भी कहते हैं। तो मात्र एक पुष्प, सिर्फ एक पुष्प आपको लेना है, वो पारिजात का या हार श्रृंगार का पुष्प एक फूल लेना है। और मासिक शिवरात्रि के दिन इसे आपको प्रदोष काल में भी चढ़ा सकते हो, सुबह भी चढ़ा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उस एक फूल को, मात्र एक फूल को ले जाकर भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा दो। भगवान शिव जी से हाथ जोड़कर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बैठकर जाप कर लो। बस इतना ही करना है, कुछ नहीं बोलना है, कुछ दो समस्या नहीं बोलना है, अपने आप आपकी जीवन से सारी दुख समस्याएं दूर होती जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि आपको इस मासिक शिवरात्रि के दिन जरूर करना है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 19 मई मतलब 2023 जिस दिन है अमावस्या, साथ ही वट सावित्री व्रत भी है, तो इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों 19 मई का सबसे पहले अमावस्या का उपाय की हम बात करते हैं। तो दोस्तों इस अमावस्या को आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको एक घी के दीपक का उपाय ज़रूर करना है। सबसे पहले तो एक गोल बाती का दीपक ना बनाते हुए आपको लंबी बाती का दीपक बनाना है, जिसमें आपको शुद्ध देसी गाय का घी डालना है, क्योंकि अमावस्या का जो दिन होता है शाम के समय का, वो प्रदोष काल का जो समय होता है वो आपके पितरों के लिए होता है। और अगर आप लोग एक लंबी बाती का घी का दीपक बढ़िया अच्छे से पूरे मन और भाव से तैयार करके अमावस्या के दिन शाम के समय किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के घाट पर जाकर, ना कि जल में प्रवाहित कर, ठीक है, नदी बावड़िया तालाब के घाट, वहां पर जो घाट बना हुआ होगा, ये अच्छी जगह बनी होगी, वहां पर जाकर अगर एक लंबी बाती का शुद्ध देसी गाय का घी के दीपक को तैयार करके वहां पर ले जाकर उस दीपक की बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके अगर जला देते हैं, तो इससे आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में आने वाली सारी दुख और समस्याएं दूर होती हैं। और अगर दोस्तों शहरों में रहने वाले लोगों के घर के आसपास अगर कोई नदी, बावड़िया, तालाब नहीं है, वो मजबूर हैं, इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थान पर मात्र वो लोग जिनके घर के आसपास नदी, बावड़िया, तालाब नहीं है, वो लोग अपने घर के रसोई घर में जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, वहां पर इस दीपक को तैयार करके, लंबी बाती के दीपक को तैयार करके उस बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके ही रखना है आप जहां पर भी ये दीपक जला रहे हैं, ठीक है। तो रसोई घर में आपके पीने के पानी के स्थान के पास में दक्षिण दिशा की तरफ इस बाती का मुख करके इस दीपक को जला दिए और अपने पितरों का स्मरण करके, भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करके इस दीपक को वहां पर जला दिए। और भगवान शिव जी का और अपने पितरों का स्मरण जरूर कीजिएगा आप इस दीपक को नदी, बावड़िया, तालाब के पास जला रहे हो या अपने घर के रसोई घर में चला रहे हो, ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उसके अंदर दोस्तों अमावस्या के बहुत ही विशेष उपाय है, जिस उपाय को करने के बाद आपकी जीवन में आ रही दुख और समस्या दूर हो जाएंगी। इस उपाय में आपको करना क्या है कि जो बेल का फल होता है वो लेकर आना है, उस बेल के फल के अंदर का पूरा गुर्दा निकाल लेना है। गुर्दा निकाल कर आपको अपने घर में पंजीरी बनानी है, आटे को सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर पंजीरी बनाकर आपने गुर्दा बाहर निकाल लिया बेल के फल से। अब उस बेल के फल के अंदर आपको ये पंजीरी डाल देनी है और पंजीरी डालने के बाद अमावस्या के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह 10 बजे से पहले आपको ये उपाय पूरा कर लेना है। अब इस बेल के फल को अपने पूरे घर में पहले घुमा लेना है, पूरे घर में घुमाने के बाद अपने घर के सभी सदस्यों से इस बेल के फल को छुआ लेना है। छुआने के बाद अपने घर से सीधा बाहर निकलकर किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे एक गड्ढा खोदकर इस बेल के फल को वहां पर जाकर गाड़ देना है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में आ रही सारी दुख और समस्याएं बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी, आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अगर पितरों के द्वारा कोई दुख और समस्या आ रही होगी तो वो सारी दुख और समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो ये वो सारे उपाय थे जो कि आपको इस अमावस्या के दिन जरूर करना है। और दोस्तों इन उपायों को आप करके देखिए, आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा। तो दोस्तों अगर इन सारे उपायों को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या आ रही है, तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यही सारे उपाय, यही सारी जानकारी आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को कोई दिक्कत, समस्या नहीं होगी। कोई भी आपको समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।